Hi everyone, welcome back to my YouTube channel High on Rides. So guys, before we start our Krabi tour, let's talk about my transfer from Koh Phangan to Krabi. सुबह 5 बजे तक फुल मून पार्टी इन्जॉय करने के बाद इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू Koh Phangan और 7 बजे की हमने सुबह फेरी पकड़कर निकल गए थे वापस डोनसाक पियर की ओर. डोनसाक पियर पहुंचने के बाद हमको करनी पड़ी टैक्सी बिकॉज Krabi वॉज लाइक 185 किलोमीटर फ्रॉम देयर. हाईवे जर्नी इन थाईलैंड आर वेरी वेरी स्मूथ एंड जैसे ही आप Krabi प्रोविंस एंटर करने लगेंगे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दैट लाइमस्टोन क्लिफ ऑल अराउंड द हाईवेज एंड यू नो एंड दीज आर नॉट रेगुलर माउंटेन्स. Finally, we reached our stay Anantapurin for next 2 days and this hotel was 3-star and sabse best part is hotel ki ye thi ki iske just samne ek Indian restaurant tha and let me give you the room tour. And I was telling about the best part of this hotel was water park, so let's go and enjoy there. लगभग 2:30 बजे और फिर अभी पूरा वाटर पार्क है इनका खुद का, बढ़िया एंजॉय करा. अब बजने वाला है 6 तो सनसेट देखने जाएंगे आवनोंग बीच जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे होटल से एंड यहीं पे पास में इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख गया. फाइनली 3-4 दिन में थोड़ा इंडियन खाना खाएंगे हम लोग. सो बस अब निकलते हैं आवनोंग बीच की ओर. आवनोंग बीच वॉज जस्ट 900 मीटर फ्रॉम आर होटल सो सनसेट देखने के लिए हम भी निकल पड़े थे बीच की ओर. सैडली बिकॉज ऑफ टू मेनी क्लाउड्स वी कुडंट गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द सनसेट. आइलैंड टूर्स के लिए आपको बेस्ट डील यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स में मिल जाएगी और यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए. वन थिंग अबाउट आवनोंग स्ट्रीट इज दैट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स, मैकडॉनल्ड्स, सबवे सब कुछ मिल जाएगा इस स्ट्रीट के आसपास. सो हमने भी अपना डिनर इन्जॉय करा और डे वन को यहाँ पे करते हैं एंड. Hey guys, good morning from Krabi. So, आज है 7th of Feb, but हमारे लिए day 2 in Krabi है. So, आज हमने सोचा है कि थोड़ा island hopping करेंगे. So, कई सारे island tours होते हैं यहाँ पे. उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, पहले होते हैं रेडी. ओके, सो हम तैयार हो चुके हैं. लगभग 8:30 बजे हमारी गाड़ी आने वाली नीचे जो कि हमको ले जाएगी अपने island tour के लिए. और मैं आपको island के बारे में बताता हूँ. यहाँ पे कई सारे 4 island tours के पैकेज है. तो जो पहला था जो कि हमने वीडियोज देख के आए थे, चिकन island, फूडा island, दोज आर द 4 आइलैंड्स. एंड जो हम जाने वाले हैं, जो हमने बाकी लोगों से बात करी यहाँ पे, तो काफ़ी लोग हॉन्ग आइलैंड वाले आइलैंड टूर्स की काफ़ी तारीफ करी. इसमें हॉन्ग आइलैंड, हॉन्ग लगून, लैंडिंग आइलैंड और एक और आइलैंड है. तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं. जिस टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन से हमने पैकेज लिया था वो लोग आ चुके थे हमारे होटल हमको पिक करने. ये टूरिस्ट बस हमको ले गई आवनोंग पियर पे जहाँ पे हमने हमारे सारे फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट करे एंड वी आर ऑल सेट टू गो फॉर आर आइलैंड टूर. सो आवनोंग चेक पॉइंट पे अभी हम लोग हैं. दिस इज आवनोंग पियर एंड वी गॉट दी बैंड हियर. थोड़ी देर वेट करना है फिर हम अपनी लॉन्ग टेल बोल्ट लेके निकलेंगे हॉन्ग आइलैंड टूर्स के लिए. यहाँ पे काफ़ी इंडियंस थे बस में, इंटरेक्ट करा हमने. वो लोग घूम के आ रहे थे फुकेट साइड से. हमारी बोट शेयर्ड बोट थी. आइलैंड टूर में हमको स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स भी इंक्लूडेड थे जिसमें लगभग 2 जगह पे वो लोग स्नॉर्कलिंग करवाने वाले हैं. सो लगभग ये टूर हमको 800 भात पर पर्सन पड़ा है आफ्टर नेगोशिएशन. एंड अगर आप ऑफ सीजन में घूमने जाएंगे Krabi तरफ सो लगभग ये 400 से 500 भात भी पड़ जाएगा. लगभग 30 मिनट के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप आया जो कि था डैंग आइलैंड. ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड है, स्नॉर्कलिंग करने के लिए फेमस है ये. सो स्नॉर्कलिंग करने हम भी गए. ये मेरी फर्स्ट स्नॉर्कलिंग थी, मतलब मैंने इससे पहले सिर्फ स्कूबा डाइविंग करी हुई है, स्नॉर्कलिंग नहीं करी थी. सो बड़ा मजा आया. सो जस्ट इन्जॉय द व्यू. After 30 minutes of snorkeling, we headed towards our next destination that was Hong Lagoon. In Thailand, my guys, lagoons are very, very beautiful. Trust me. Iske entry, exits, color of the water around there, bahut hi zyada beautiful hai. So see it yourself. Taking very good photos around the lagoon, हम निकल गए थे हमारी next destination की ओर जो कि था Welcome to Lau Lading Island.
सो यहाँ पे अभी हमको लंच वगैरह मिलेगा, बस लंच करके फिर थोड़ा सा घूमेंगे इधर। यहाँ पे बढ़िया सब टूरिस्ट प्लेस है, सारे टूरिस्ट आ रखे हैं एंड यहाँ पे झूला भी है, सब फोटो खिंचा रहे हैं। एक घंटा स्पेंड करा, लंच करा एंड सिनेमैटिक शूट करे। डाउनलोडिंग के बाद हम निकल गए थे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे के लिए, जो कि था वेरी वेरी फेमस हॉन्ग आइलैंड। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस बोट ट्रिप हॉन्ग आइलैंड। हॉन्ग आइलैंड में काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेचर जंगल ट्रेल से। ये एक नेशनल पार्क का पार्ट है। हॉन्ग आइलैंड में एक हॉन्ग आइलैंड बीच है जो कि बहुत शानदार है फॉर स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग एंड रिलैक्स करने के लिए, जिसमें हम सबसे लास्ट में जाने वाले हैं। सो हॉन्ग आइलैंड पे काफ़ी सारी पेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम देख सकते हैं, जैसे कि कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग के लिए हमने अपना सामान और लाइफ जैकेट लेके आए हैं ताकि पे करके ना लेना पड़े। हर जगह इवैक्यूएशन रूट, सुनामी वार्निंग, सुनामी इवैक्यूएशन मैप दिया गया है। स्टार्ट करते हैं ट्रेल। आइलैंड पे एक बहुत फेमस अंडमान व्यू पॉइंट है जो कि मल्टीपल आइलैंड्स का आपको एक टॉप व्यू देगा, बट वहां तक जाना थोड़ा सा टायरिंग जरूर है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो अप देयर, काफी थक चुके amazing photos from Andaman viewpoint, we went down and enjoyed our swimming and snorkeling at the beach. Finally, it was close to 3 p.m. and it was a time to say goodbye to Hong Island, a beautiful natural reserve. And with this, let me end my Krabi Island tour and let's go back to our hotel. ये हमारी लास्ट नाइट है क्राबी में एंड हमारे पास बच रहा है थोड़ा टाइम, तो हमने सोचा क्राबी नाइट मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए, फ्रेंड्स एंड फैमिली की थोड़ा गिफ्ट वगैरह ले लिए जाए फ्रॉम दिस लोकल हैंडमेड मार्केट अनोंग बीच नाइट मार्केट। करते हैं, नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं पीपी आइलैंड फॉर नेक्स्ट टू डेज। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।